वेलकम टू माई चैनल। होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो कल लास्ट डे कल मेरा हॉस्पिटल का था। हॉस्पिटल से कल आई पूजा की, तो मैं ऐसे ही सो गई और मुझे काफ़ी वीकनेस अभी भी लग रही है। और मैंने ये मैगी हॉस्पिटल में लगाई थी, जैसे कि आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल पहले से बेटर फील कर रही हूँ, तो सोच पीछे कर क्या रहे थे अज्जू, बताना। तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं और आपको देख के लग रहा है मैं कैसी कंडीशन में हूँ। उसके बाल तक नहीं मेरे को, एक हफ्ते से ऊपर हो गया और मैंने मतलब बालों को धुलाने तो और अजीब लग रहा था। और फिलहाल सब लोग वहाँ से 3 बजे पहुँचे हम लोग, फिर हम लोग सब लोग सो गए। लेकिन अभी फ़िलहाल सब में अपने रूटीन वर्क पे आ गए हैं और घर में आने का सुकून अलग ही होता है। अपना घर, अपना बेड, अपना रूम, अपनी टी, तो सब कुछ घर घर होता है। और मैं कहती किसी को कोई बीमार ना करे, मतलब कोई बीमार ना हो। और कहते हैं घर से दूर जाने का मतलब पता चलता है आपको जब आप बीमार हो जाओ, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओ। और बहुत ख़राब लगता है, मैंने कैसे 10 दिन निकाले हैं, मैं बहुत मतलब जान मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में। जब मैं 10 दिन बाद अपने घर आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक नए जीवन लेके और एक मतलब क्या मतलब खुशी, एक अलग खुशी है घर आने की। तो प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ। हालांकि मैंने कोई भी लापरवाही नहीं की, मुझे डेंगू क्यों हुआ मुझे नहीं पता चला, बट फिर भी आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने परिवार का, और खाइए पिए खुश रहिए व्यस्त रहिए। और मैं भी फ़िलहाल खा रही हूँ डोज, क्योंकि हर 2-1.5 घंटे पर कुछ ना कुछ खाना है। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। और आज है डे 2 और मुझे हॉस्पिटल से आया हुआ, तो थोड़ा सा मैं प्लान कर रही थी कि क्या कैसे क्या करना है, क्योंकि ब्लॉग का और सारे वीडियोस का थोड़ा सा प्लान करके मैं कुछ करूँगी। क्योंकि जो भी हो, अर्जुन बात नहीं करने देते आप, जो कुछ होना था मतलब चैनल का प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि डाउन चला गया, जैसे जैसे मैं इसको ग्रोथ करती हूँ वैसे वैसे डाउन चला जाता है। अर्जुन कीप क्वाइट बेटू, तो उसको उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए पहले मैं अपने आप को रिकवर करूं। और मुझे भी और मेरे चैनल को भी, तो प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा। मतलब आप लोगों से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस चैनल को फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए, पुरानी वीडियो दीजिए। फिलहाल नई वीडियो में कुछ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, मैं मानती हूँ कि मतलब कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव या कुछ भी नहीं मिलेगा, बट अपडेट मैं डे बाई डे आपको करती रहूँगी। लेकिन जो पुराने वीडियो, बहुत सारे रेमेडीज़, बहुत सारे स्किन केयर, बहुत सारे सीरीज पड़े हुई हैं, मेकअप वीडियो पड़े हैं, कुछ ब्लाउज डिज़ाइंस, स्क्रैच आउटफिट्स बहुत सारे पड़े हैं। आप लोग
मेरे चैनल को शेयर करिए अपनी फैमिली फ्रेंड में, और मतलब तो इस तरीके से थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे, और चैनल जल्दी रिकवर हो जाएगा और चीज़ें सही हो जाएंगी। बस इतना ही कहना था। तो फिलहाल बहुत वीकनेस लग रही है, आपको लग रहा होगा कि मैं बात कर रही हूँ, बात करने में भी एकदम उलझन लगती है। डॉक्टर ने वही 2 हफ्ते के लिए बोला बेड रेस्ट के लिए, तो बस जस्ट बेड रेस्ट कर रही हूँ। काम पूर्ति कर रही है बेचारी, मैं तो अजीब लग रहा है यार, बहुत ही सारा काम करती है। और मैं फ़िलहाल अर्जुन को पढ़ा रही हूँ, मैं तो थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। जैसे मैंने इसको दही को ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मुझे दही के आलू खाने थे, मैंने बहुत दिन से नहीं खाए। और क्यों बेड पर बैठ के ही ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, कि एक जगह बैठ जाओ फिर वहीं से ब्लॉग बनाओ, तो ब्लॉग की क्वालिटी और ब्लॉग की कॉन्टेंट क्या होगा ये आप लोग को सोच सकते हैं। फ़िलहाल मैंने चाय फिनिश की है अपनी, और पूरे दिन 2 घंटे पर कुछ खाना होता है, और मुझे क्रैम्प्स आ गया ऐसे करके। मैंने वेट उठा लिया थोड़ा सा अर्जुन को, तो एक्चुअली इतना खींच के ये मेरी हाथ के उसमें दर्द हो रहा, और जब भी मैं बैठती तो मुझे बैक पेन होता है। क्या हो गया, तुम लोग आपस में कितना लड़ते हो? अर्जुन पूती बहुत लड़ाई होती है। पानी पीने के लिए यार, अभी हम पूती मासी को मारते हैं, आ रहे हैं। तो बच्चा है, पानी दो से वो नारियल सॉरी ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, तो उससे वो खेल लग रहा है ऐसे करके उसकी पूर्ति के हाथ में डाल रहा है, उसे डांट दिए तो रोने लगा, अगर उसने मुझे मारा ऐसे झगड़ा करते पूर्ति और उनकी झगड़ा ऐसे होती है। देखो देख लीजिए आप लोग, जैसे नहीं कि छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पूर्ति भी उसके साथ छोटे बच्चे से बिहेव करने लगती है। फिर वो अगर आज मेरे बहुत टिक्की खाने का मन कर रहा है, मेरे घर में सब लोग मना कर रहे हैं कि अभी नहीं खा सकती रोटी, तो लेकिन मैं खाऊंगी, और जब मैंने सोच लिया तो थोड़ी सी खा लूँगी, फिर जाऊँगी खाने कुछ, अपूर्ति काम कर लें तब हम जाएंगे। और जब अर्जुन ने सारा सॉन्ग फैला दिया है, पूर्ति आके चिल्लाएंगी पूर्ति मासी जो अभी गुस्सा करेगी, और मैं बैठे बैठे मेरे तो बैक पेन हो गया, तो मैं उठ के आ गई, मैं लेटूँगी बैठ में पता जाता है। तो चलो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे आगे, आप लोगों को दिखेगा। बता पीठ पीठ में तो मैं रेडी हो गई हूँ। हाँ बंद है गैस, तो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। एक्चुअली जिस दिन मुझे फीवर आया था उसी दिन मैंने बोला थे मुझे आलू की टिक्की खानी है, बट ऐसी सिचुएशन हुई आलू टिक्की नहीं खाई, और वो सदमा मुझे अभी तक लगा हुआ है कि मुझे आलू की टिक्की ही खानी है। तो जा रही हूँ कब्रिस्तान वाली गली में, जो गली में सॉरी विजय तबीटी के पास जो कब्रिस्तान के पास जो मिलती है ना, वहाँ जा रही हूँ खाने, अगर क्योंकि 8:30 बज गए हार्डली वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अगर मिलेगी तो खा लेंगे, नहीं मिलेगी तो कुछ और खाएंगे, पर खा के तो आएंगे। हालांकि मैंने अपना डिनर फिनिश कर लिया, मैंने एक रोटी खा ली थी, पेट खाली नहीं रखा, बट कुछ और खाने के लिए मैं उधर देख रही हूँ कि मैं थोड़ी सी दुबली हो गई हूँ पहले से, तो पूर्ति अपना मेकअप वेकअप कर ले तब चले इनके तारों के शहर में। लड़का है देखो बस चलो ऐसे। तो हमारी गाड़ी बाहर रेडी हो गई है, हम लोग जा रहे हैं, और जीना चढ़ना उतरना मुश्किल है मेरे लिए, पर जा रहे हैं, बोर हो गए हम भी, तो हम चले हैं बाहर। लोग पहले से कार में पहुंच गए हैं,
क्या मिल गई भैया? क्या गए अब बता से खा तो चलो हम लोग खाते हैं। वो अभी भाषा लगा था वो चढ़ गया। आओ अब उधर जाओ मेरे। तो हम लोग आए मिस्टर में। चलो हम भी बैठो तुम लोग जाओ। भैया तो मैं देख के हंस रहा है। देखो चलो आ जाएगा। अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग आए हैं मिस्टर एंड क्या खाएंगे? मेरा कुछ नहीं, मेरा पेट भर गया, मैंने टिक्की खा ली। और कुर्ते और जो देखे क्या खाते हैं लोग, उन लोगों का भी पेट भरा है। ये लोग जबरदस्ती वाले हैं लोग हैं। और ये लोग रोड बंद भी कर दिया। स्मेल आ रही है। नमस्ते। वाह तो अच्छा गिटार दिख रहा है जू। यही है बात। खा लो। स्मेल आ रही है यहाँ पे। स्मेल आ रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है आपके रेस्टोरेंट में। अच्छा देखो ये क्रॉसिंग बर्ड तुम्हारे वाला कर दिया। ये तो खेलने के लिए। चलो तुम पूर्ति मासी क्रॉसिंग बर्ड खेलो। चलो बैठो बैठो उधर बैठो क्रॉसिंग बर्ड खेलो। चलो करो। नॉनवेज भी आप सब बंद हो गया ना? मामले नहीं बनता ना। वे पक्का बंद है नॉनवेज? वे बहुत लपड़ा रहता है। मेरा बन गया। मेरा बन गया। सो जाओ। हम पूर्ति से कह रहे जल्दी खा के निकल लो। क्रिस्पी है, अच्छा है, अच्छा देख के अच्छा है। आज की टंग निकला ही बाहर। अभी तो तुम मना कर रहे हो, तुम नहीं कह रहे हो, अभी तुमने टंग निकाली बाहर। हाफ हाफ का हाफ पूर्ति मासी का क्रिस्पी अच्छा। ये ब्रेड तुम ऊपर से एक्स्ट्रा लगाते हैं जो गर्म है उसको उसको पकड़ गर्म में इसी में पकड़ के खाओ। नैपकिन लगा ये मॉल ले लो उठा लटा के लगा खाओ। कैसा है जू? गुड। अभी तुम नाटक कर रहे थे। ये स्टाइल ये कैसा है? कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है। खाओ। कोई लड़ता है मासी से क्या? ये डर गया एक बच्चू डर गया घुस गया उसके नीचे डर गया। और अर्जुन यहाँ स्टीम मोमोज खाने आए यहाँ पे क्रिस्पी बर्गर खाने के बाद। अर्जुन के पेट में आज घुसा है क्या आत्मा? मेरी आत्मा था पूर्ति मासी की आत्मा घुस गई है तभी भूख लग रही है ना। तो ये स्टीम मोमोज खाने के लिए यहाँ रुके हुए हैं दुनिया भर का खा के आए हैं। ये मुझमें क्या ताकत है? मुझमें क्या? देखो लड़ाई देखो लड़ाई देखो मोमोज में हमने फर्स्ट टाइम खाया बर्गर मतलब क्रिस्पी। हरदोई में आई थिंक कहीं और नहीं मिलता होगा, इनके यहाँ मिलता है। फिलहाल नवीन सक्सेना वाली गली के सामने हमने खड़े हैं जहाँ पे अर्जुन को स्टीम क्या बोलते स्टीम मोमोज खाने थे। और अगर आप लोग वेज बर्गर खाने के शौकीन हैं उनके यहाँ पहले नॉन वेज भी था लेकिन अभी प्योर वेजिटेरियन हो गया है। कुछ बोल रहे थे रक्षा सॉरी ये नवरात्रि से उन्होंने बिल्कुल भी नॉन वेज बंद कर दिया। तो आप लोग अगर खाना चाहें तो आप वहाँ पर जाके खा सकते हैं बिल्कुल। जो उसके जो KFC वाला जो एक ऊपर वाला टच आता है लॉलीपॉप जो क्रिस्पी वाला वो था। ओवरऑल मतलब रेड क्रम्स उसमें वो थे बहुत क्रिस्पी था मतलब बर्गर खा के बहुत टेस्टी भी था और काफ़ी मतलब क्रीमी भी था। बट एक चीज़ ये है इसमें कि आप इसको हाफ ही खा सकते हो। अगर आप बहुत भूखे हैं तो आप एक खा सकते हो, अदरवाइज आप इसको आधा ही खा सकते हो, ज़्यादा नहीं खा सकते। बहुत ऑयली थोड़ा सा अंदर से था, क्रीमी काफ़ी था।
बट ओवरऑल बहुत अच्छा टेस्ट था, क्रिस्पी था, लास्ट तक रहा, सॉगी नहीं हुआ। तो मिस्टर मोमोज आवाज विकास के सामने जो मिस्टर मोमोज है अब वहाँ जाके आप खा सकते हैं और बहुत टेस्टी है। मुझे आपको रिव्यू बताना था कि बहुत टेस्टी है। कुछ लोगों ने खाया हुआ, कुछ लोगों ने नहीं खाया, जिन्होंने नहीं खाया वो जाके खा सकते हैं और जिसने खाया है वो कमेंट करके बताएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और अर्जुन को कमेंट वाले थप्पड़ मारिएगा। मोमोज है वो तो जेव भाई, ये क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स ऊपर लगा के ये स्टीम मोमोज, लेकिन सबसे टेस्टी स्टीम मोमोज ही लगता है खाने में सच में। गुस्सा हो गया है और अर्जुन ने अपने मम्मा को भी सेट किया है। और फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, किसी और ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो और क्या बोलना है लाइक करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। किसी और ब्लॉग में मिलेंगे। स्टे टाटा, बाय बाय बाय।